ऐसे तो चाय हर कोई बना लेता है। चाय बनाना बहुत ही आसान है। पानी डालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, मसाला डालो और दूध डालकर उबाल दो, बस चाय बन गई। पर ऐसा नहीं है, ज़्यादा उबालेंगे तो चाय कड़वी हो जाएगी और कम उबालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। और ख़ास कर सही मसाला होना भी चाय में बहुत ही ज़रूरी है। तो परफेक्ट मात्रा से मसाला कैसे बनाएं और मसाले से चाय कैसे बनाएं, ये मैं मेरी वीडियो में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की मसाला चाय। तो पहले मैं मसाला चाय का मसाला बना लेती हूँ। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच इलायची, हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जायफल का, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चाय में, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च, 7-8 लवंग, 1/2 चक्रफूल, 1 काली बड़ी इलायची। अब इन सारे मसालों को मैं दरदरा सा कूट लेती हूँ। मसाला अच्छी तरह से कूट गया है, इस तरह से मैंने कूट लिया है। अब मैं चाय बनाना शुरू करती हूँ। 1.5 कप मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी को उबलने देते हैं। पानी गर्म हो चुका है, गर्म पानी में मैं डालूंगी 2 चम्मच चाय पत्ती, 1/2 चम्मच चाय का मसाला डालेंगे जो हमने कूटा था वो, और 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं। चाय अच्छी तरह से उबल रही है, अच्छा उबल गया है डिकाशे। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, 1 कप दूध डालेंगे, मैंने ग्लास में लेकर डाला है, और अच्छी तरह से उबलने देते हैं। लगभग 3-4 मिनट हम इसे उबलने देंगे। लगभग 2 मिनट से चाय उबल रही है। अब मैं इसमें शक्कर डालूंगी, 2 चम्मच मैं शक्कर डालूंगी इसमें, मीठा आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा। लगभग 2 मिनट से चाय उबल रही है, चाय बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है। गैस ऑफ कर लेती हूँ और इसे गर्मा गर्म मैं सर्व करती हूँ। मसालेदार चाय बनकर रेडी हो गई है, मैंने सर्व कर लिया ट्रेडिशनल तरीके से। तो आप भी मसाला चाय बनाइए, एंजॉय कीजिए, और आपकी चाय कैसी बनी है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी रेसिपी ऐसे ही देखते रहे और लाइक करते रहे, आपके लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा, और इस उत्साह से मैं आपके लिए और मेरे फ्यूचर अपडेट्स में और कई तरह की नई रेसिपीज लेके आऊंगी। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।